नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। राजद के नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित कई अन्य लोगों पर यह आरोप लगा है कि टिकट देने के बदले उन्होंने 5 करोड़ रुपया लिया था, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल फिर से आरोप प्रत्यारोप की दौर पे चल पड़ा है। आपको बता दें, जदयू की तरफ से इस बात को लेकर भी नीरज कुमार ने बताया कि राजद की प्रवृत्ति रही है और राजद इस प्रकार का कार्य करते रहा है। साथ ही साथ बता दें, नीरज कुमार ने ये भी बातें कही कि राजद के तरफ से जमीन लिखवाने का मामला भी पुराना है। आपको बता दें, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि राजद की यह प्रवृत्ति है पैसा लेकर टिकट देने की प्रवृत्ति। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब प्रशासन और पुलिस, कोर्ट इन सभी मामलों पर संज्ञान ले रही है, तो देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है। लेकिन एक बार फिर से राजद के नेता तेजस्वी यादव फिर से कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी कई बार टिकट के बदले पैसे लेने का आरोप लगते आया है। यह आरोप कांग्रेस के कई नेताओं पर भी लगा है। आपको बता दें, संजीव कुमार हैं कांग्रेस के नेता बताए जाते हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर एक अपील दायर की है और इस पर सुनवाई भी होनी है। साथ ही साथ आपको बता दें, लगातार इस मामले को लेकर राजद बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर राजद के प्रवक्ताओं की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का आरोप है उस पर देखा जा रहा है क्या मामला है, और यह आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लग रहा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और मीसा भारती राजद कार्यालय कभी आती ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भले ही राजद के कार्यालय में आते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि राजद की तरफ से इस बात को लेकर अब नाराजगी जताई जा रही है। वहीं जेडीयू और बीजेपी इस मामले को लेकर सख्त है। आप वीडियो देखिए, नितिन नवीन जो बिहार सरकार में मंत्री है, उन्होंने तेजस्वी यादव पर किस तरीके से हमला बोला है। देखिए, ये तो परंपरा है तेजस्वी यादव और राजद पर पहले से भी लगता रहा है, और राजद की ये तो संस्कृति रही है कि पैसा लेकर टिकट देने का, तो ये आज कोई नई परंपरा नहीं है। और अभी जिन्होंने भी लगाया है, अब उसके सत्यता का जांच तो करेगा ही जिला प्रशासन और प्रशासन, लेकिन जो संस्कार पार्टी में मिला है उनको, तो वो तो उसी को ना आगे बढ़ाएंगे, और आज उसी का प्रतिफल है कि आज उन्हीं के पार्टी के लोग उन पर इस तरह का विषय ला रहे हैं। तो ये सब शर्म की बात है। तेजस्वी यादव को सामने आकर माफ़ी भी मांगनी चाहिए और पूरे स्थिति का स्पष्ट करना चाहिए। जेडीयू के चिकित्सक प्रकोष्ठ के नेता के ऊपर हत्या कराने का आरोप लगा है, मामला पटना का है। देखिए, मैंने कहा कि जो भी मामले आते हैं जिला प्रशासन उसकी सत्यता की जांच करेगा। आरोप जो लगे हैं उन पूरे विषयों की जांच होगी और जो भी सही पाया जाएगा उस दोषियों को कोई छोड़ा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में स्पष्ट है, जो गलती करेंगे वो बचेंगे भी नहीं, और जो चाहे किसी भी जगह पर वो रहें, वो चाहे सरकार में रहो या बाहर रहें।